मनोज सिन्हा सर आप दिखाई दे रहे हैं, क्यों इको हो रहा है? हेलो, हाँ सर आवाज आपकी आ रही है। हाँ पर आवाज इको हो रही सर, आपकी गूंज रही है। हेलो हेलो, हाँ होता सर। मनोज मेरी आवाज आ रही क्लियर? हाँ हाँ भैया आपकी आवाज अच्छे से आ रही है। हाँ मनोज सर अभी आवाज आ रही ठीक? हाँ थोड़ा ठीक है सर, थोड़ा ठीक है, अभी ठीक आ रही है, फिर भी गूंज रहा है, आवाज गूंज रही है आपकी। कहाँ बैठे हैं सर? कुछ आवाज आ रही है सर, अलग से आवाज आ रही है। हेलो 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 मनोज सर, जी सर ठीक है आवाज? हाँ अब ठीक है, ठीक है अब ठीक है विकास, थोड़ी सी गूंज होता सर, मेरी आवाज आपको क्लियर आ रही है होता सर? मनोज जी सर आवाज आ रही है आपकी, आ रही है, आ रही है ना? जी जी और वीडियो वीडियो आपका देख, हाँ आ रही आ रही आ रही आ रही है। सर प्रणाम, हेलो हेलो, ये मेरी आवाज आ रही है आप लोगों को? हाँ बिल्कुल सही आवाज, सही आ रही है, थैंक यू। हमित 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 बाकी धर्म गुरुओं से थोड़ा संपर्क कर लो। यस सर, फादर फादर जुड़ गए हैं, अजय हिंसा जी भी जुड़ गए हैं, नमस्कार अजय हिंसा साहब। सर त्रिपाठी सर नहीं जुड़े हैं बनारस से, फोन कर रहा हूँ। रोजी शर्मा मैडम जुड़ी क्या सर? रोजी शर्मा भी नहीं जुड़े हैं। अच्छा अच्छा अच्छा, मेरे को होस्ट बना दिया। अजय अहिंसा सर जुड़े क्या? जुड़ गए हैं, जुड़ गए। महंत राम सुंदर दास जी जुड़ेंगे अभी 11 बजे। अच्छा अच्छा, और मैडम नहीं जुड़ी है, रोजी शर्मा नहीं जुड़ी है। अच्छा अच्छा, और भाई मान सिंह बदला, हाँ वो नहीं जुड़े हैं। वो हमीद जी को बोलिए थोड़ा कांटेक्ट कर लें। हाँ हाँ
उपेंद्र कुमार जी जुड़ रहे हैं अभी, उपेंद्र कुमार जी जुड़ रहे हैं। अच्छा अच्छा उपेंद्र कुमार जी जुड़ रहे हैं। कुछ कनेक्टिविटी इशू है उपेंद्र कुमार जी का। रोजी शर्मा भी जुड़ गई हैं, रोजी शर्मा भी जुड़, हाँ रोजी शर्मा मैडम भी जुड़ रही हैं। अब महंत जी बच गए हैं, महंत जी आदरणीय बीसी सर और महंत जी। रोजी शर्मा मैम नमस्कार। रोजी शर्मा मैम मेरी आवाज आ रही है आप तक? जी सभी को नमस्कार सर। नमस्कार जी, प्रणाम सर। नमस्कार नमस्कार सर जी। नमस्ते जी, आई एम वेरी हैप्पी टू सी यू रोजी। गुड मॉर्निंग फादर। गुड मॉर्निंग। यस अजय जी नमस्कार। अजय हंसा जी हेलो। माननीय कुलपति जी को प्रणाम। मैं काशी हिंदू विश्वविद्यालय से उपेंद्र कुमार त्रिपाठी। उपेंद्र जी बहुत बहुत नमस्कार, बहुत धन्यवाद। मौलाना साहब नमस्कार आपको। आदरणीय वीसी सर को हैप्पी मॉर्निंग, प्रणाम सर। जी, जी, आपको नमस्कार जी। पदला जी नमस्कार। नमस्कार किरण पाल चावला सर। चावला सर नमस्कार सर। नमस्कार सर। बहुत अग्रिम बधाइयां सर आपको कि बहुत सुंदर कार्यक्रम आज का हो रहा है ये। और ज्ञानी जी सर गुरुद्वारे की तरफ से, ज्ञानी जी बस अभी ज्वाइन कर रहे हैं सर एक मिनट में। अच्छा जी 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 जी, बड़ी बड़ी मेहरबानी, बड़ी कृपा। थैंक यू, थैंक यू सर। चावला सर मान सिंह जी है जी, मान सिंह बदला जी है सर, तो नाम बताएंगे सर जी। भाई मान सिंह बदला उनका है नाम जी, भाई मान सिंह जी वो ज्वाइन कर रहे हैं सर अभी। ठीक है टाइम हो गया, सब लोग जुड़ रहे हैं। अच्छा सर मुख्य अतिथि, मुख्य अतिथि अभी ज्वाइन कर रहे हैं सर। मुख्य अतिथि कौन है आज के? आज महंत राम सुंदर दास जी, अभी बात हुई थी सर, तो 11 बजे जी 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 हाँ 11 बजे ज्वाइन कर लिए, बोल कर लेंगे, बोले उन्होंने कहा था कि ज्वाइन कर लेंगे जी। सर अटेंडीज की लिस्ट में, देखेंगे सर मान सिंह बदला जी दिख रहे हैं उनको, वो आपके पैनलिस्ट है सर, आप उनको ऐड कर लीजिए पैनलिस्ट में। देखिए विकास, देखिए क्या सर उनका नाम दिख रहा है, क्या नाम दिख रहा है सर जी उनका? Hello? नाम दिख रहा है सर, फुल अटेंडीज लिस्ट में आप जाएंगे तो आपको दिखेगा मान सिंह बदला नाम लिखा हुआ है सर उनका, पर नाम दिखेगा सर उनका। वो जरा देखिए आप पीछे जो दरवाजा वॉशरूम नजर आ रहा है। उधर ही सर, उधर इधर आएंगे तो इको होगा थोड़ा सा उधर। महंत जी अब जुड़ रहे हैं सर, महंत जी जुड़ रहे हैं। हेलो
ताला जी ले लिए ना उसको, उस लिंक को वो ले लिए, उसको जुड़े हैं। मैं बना के भेज ताला जी को भेजता हूँ। मनोज जी, ग्यारह बच्चे दो मिनट हो रहे हैं जी, महाराज जी से बात करिए ना। आपकी अनुमति हो तो प्रारंभ करें कैसे? आप उनको एक बार फोन लगा लीजिए, उनको महाराज जी को। हाँ लगा, बात हो गई है सर, बात हो गई है, अभी जस्ट बात हुई है, जुड़ रहे हैं, जुड़ रहे हैं। हाँ कुछ कुछ इशू है शायद कनेक्टिविटी का। होता सर जी जी, वहाँ पे सर इको हो रहे, सबको बोलिए माइक बंद कर लिया। हाँ अजय जी आप ठीक हैं? सर अजय जी ठीक हैं? सर प्रणाम, बहुत बहुत धन्यवाद आपने कृपा की हमारे ऊपर। सर आपका आशीर्वाद सदैव बना रहे, सब कृपा है। देखिए हमारे बीच में बड़े बड़े लोग जुड़े हुए हैं, उपेंद्र त्रिपाठी जी बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में बाबा की नगरी से हमारे पास जुड़े हुए हैं, वहाँ वेद विज्ञान अनुसंधान केंद्र बनाया है, उसे समन्वयक हैं, संसदीय विभाग के अध्यक्ष रह चुके हैं, भारत वर्ष में बड़ी ख्याति है इनकी, इनको आज आमंत्रित किया है। हमारे बीच में फादर एनआर बर्डे हैं, बिशप ऑफ दिस पर्टिकुलर एरिया, इन्होंने ज्वाइन किया है आशीर्वाद देने के लिए। मौलाना साहब जुड़े हुए हैं, जो भाई मान सिंह बदला जी आ गए हैं, यस ज्वाइन, आपका स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं मान सिंह जी, बड़ी 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 कृपा की आपने जो हमारे बीच पधारे ना। मैं वहां पर गया हुआ था अमृतसर में स्वर्ण मंदिर में, 2013-14 स्वरूप वगैरह भेंट किया गया था, उसका एक रेप्लिका मुझे दिया गया था, जब ऊपर मैंने रखा था उसको घर पे। अभी आएंगे गुरुद्वारा तो मिलेंगे आपसे यहाँ पर। और सबसे देखिए सबसे दूर से सबसे ऊंचाई से रोजी शर्मा जुड़ी है हमारे साथ में, ये लाहौल स्पीति लगभग 16,000 फीट हाइट पर, आपने लाहौल स्पीति का नाम सुना होगा, अभी अटल टनल बनाई है मनाली से लेकर के वहां पर, ये वहीं से आई है, बौद्ध है, अरे बौद्ध वाणी के लिए हमने इनको वहां से बुलाया है। हमारी स्टूडेंट नहीं, मैं हिमाचल में जब था तो हमारी स्टूडेंट ही रही होगी। हाँ मुख्य अतिथि महोदय जुड़ गए हैं जी, महंत जी को साष्टांग दंडवत करते हैं, और मनोज सिन्हा जी जी जी, मनोज जी अब आप शुभारंभ कीजिए कार्यक्रम का। रवि जी मोबाइल, रवि जी वीडियो ऑन कर लीजिए महंत जी का। रवि जी आप सभी को नमस्कार, मैं मनोज सिन्हा, कार्यक्रम समन्वयक राष्ट्रीय सेवा योजना अटल बिहारी वाजपेयी विश्वविद्यालय बिलासपुर। तू ही राम तू ही रहीम है, तू करीम कृष्ण खुदा हुआ, तू ही वाहे गुरु तू यीशु मसीह, हर नाम में तू समा रहा, सबके स्वास्थ्य के मंगल कामना और मानव का कल्याण के भाव को लेकर अटल बिहारी वाजपेयी विश्वविद्यालय छत्तीसगढ़ द्वारा त्रिदिवसीय दशम स्थापना समारोह जो कि 25 जून से आयोजित है, इसके प्रथम चरण में हम लोग सर्वधर्म प्रार्थना सभा का आयोजन किए हैं। इस अवसर पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। क्योंकि कोविड के प्रभाव के कारण हम आज आभासी माध्यम से आपका स्वागत कर पा रहे हैं, स्थिति सामान्य रहती तो हम विश्वविद्यालय परिसर में एक ही मंच पर आपके साथ इस दिवस को मना रहे होते। आज के
कार्यक्रम के प्रारंभ में मैं सर्वप्रथम अतिथियों के परिचय एवं स्वागत के लिए डॉक्टर एच एस होता अधिष्ठाता छात्र कल्याण अटल बिहारी वाजपेयी विश्वविद्यालय बिलासपुर को आमंत्रित करता हूँ। आदरणीय होता सर, बहुत बहुत नमस्कार, धन्यवाद मनोज सिन्हा सर। आज के कार्यक्रम सर्वधर्म प्रार्थना सभा के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि परम श्रद्धे आदरणीय महंत राम सुंदर दास जी, अध्यक्ष गो सेवा आयोग छत्तीसगढ़। आज की कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे विश्वविद्यालय के सम्माननीय कुलपति आचार्य अरुण दिवाकर नाथ वाजपेयी सर, विश्वविद्यालय के कुल सचिव आदरणीय डॉक्टर सुधीर शर्मा सर, बनारस से हमारे साथ जुड़े प्रोफेसर उपेंद्र कुमार त्रिपाठी, अध्यक्ष वेद विभाग बनारस हिंदू विश्वविद्यालय। उत्तर पर क्या है कि ये जो खटर-पटर आवाज आ रही है सर, थोड़ा सा एडवोकेट साहब, थोड़ा सा आपकी आवाज आ रही है बीच में, म्यूट कर लीजिएगा प्लीज। भाई मानसी बदला जी, मुख्य ग्रंथी श्री गुरु सिंध सभा गुरुद्वारा बिलासपुर, फादर एन आर बर्डे डिस्पाइट ऑफ क्रिस्ट चर्च बिलासपुर, अजय अहिंसा एडवोकेट साहब, मौलाना सैयद मोहम्मद जाहिर सुन्नी हुसैन मस्जिद बिलासपुर, रोजी शर्मा मैडम हिमाचल प्रदेश से हमारे बीच जुड़ी हुई हैं, सबका आज के इस सर्वधर्म प्रार्थना सभा में मैं हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। हमारे बीच हमारे संबद्ध महाविद्यालय के प्राचार्यगण, विश्वविद्यालय शिक्षण विभाग के शिक्षकगण, विश्वविद्यालय के अधिकारी कर्मचारी और समस्त जनों का मैं आज के इस स्थापना दिवस समारोह में बधाई प्रेषित करते हुए सभी का इस सर्वधर्म सभा में स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आज 25 जून 2012 को विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी और आज हम 9 वर्ष पूरे करके 10वें वर्ष में प्रवेश कर रहे हैं और ये 10वां स्थापना दिवस विश्वविद्यालय का मनाया जा रहा है। आज हम सुबह हवन का कार्यक्रम था हमारे विश्वविद्यालय परिसर में और इसके पश्चात हम विश्वविद्यालय के उत्तरोत्तर प्रगति और विकास के लिए माननीय कुलपति महोदय की इच्छा के अनुरूप आज हम ये सर्वधर्म प्रार्थना सभा यहाँ पर आयोजित किए हैं। जैसा कि मेरे साथी डॉक्टर मनोज सिन्हा ने बताया कि कोरोना की वजह से हम इस कार्यक्रम को ऑनलाइन ही संपादित कर रहे हैं, तो इस सर्वधर्म प्रार्थना सभा में जितने भी धर्म गुरु हमारे बीच उपस्थित हुए हैं उनसे मेरा आग्रह कि वो हमारे विश्वविद्यालय के उत्तरोत्तर प्रगति और विकास के लिए कामना करें ताकि हमारा विश्वविद्यालय न सिर्फ छत्तीसगढ़ में बल्कि देश और विदेश में भी एक विशिष्ट विश्वविद्यालय के रूप में पहचान दिलाए और हम सभी शिक्षक कर्मचारी और अधिकारी विश्वविद्यालय में अपने दायित्वों का निर्वहन करते हुए समाज से जुड़कर भी हम सामाजिक सरोकारों से चीजों से संबंधित जो चीजें हैं और जो कार्यकलाप हैं कार्यक्रम हैं उसमें भी हम अपने सहभागिता दें, ऐसी मेरी विनम्र प्रार्थना सभी सम्माननीय धर्मगुरुओं से है। और एक बार पुनः स्थापना दिवस की समस्त जनों को बधाई देते हुए मैं समस्त अतिथियों का, हमारे माननीय मुख्य अतिथि महंत राम सुंदर दास जी का, सभी का मैं हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय होता सर। इसके पश्चात मैं वैदिक मंगलाचरण एवं लौकिक मंगलाचरण के लिए आदरणीय प्रोफेसर उपेंद्र कुमार त्रिपाठी जी, पूर्व अध्यक्ष वेद विभाग, आचार्य एवं समन्वयक वैदिक विज्ञान केंद्र संस्कृत विद्या धर्म विज्ञान संकाय को आमंत्रित करने से पहले थोड़ी सी जानकारी आपको उनके बारे में दे दूं। आपको 2013 का महर्षि बादरायण व्यास राष्ट्रपति पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है। 1998 में आपको उत्तर प्रदेश सरकार ने वेद पंडित पुरस्कार से सम्मानित किया है। आपके 4 ग्रंथ प्रकाशित हुए हैं, 100 से अधिक राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय शोध पत्र प्रकाशित हुए हैं। अब मैं आपको मंगलाचरण हेतु आदरणीय त्रिपाठी सर को सादर आमंत्रित करता हूँ। आदरणीय त्रिपाठी सर, अनम्यूट कर लीजिए पंडित जी। सर्वेभ्यो नमो नमः। श्री अटल बिहारी वाजपेयी विश्वविद्यालय बिलासपुर के 10वें
स्थापना दिवस के त्रिदिवसीय महोत्सव के आज शुभारंभ क्रम में सर्वप्रथम इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे परम श्रद्धे राष्ट्रवादी चिंतक, प्रखर चिंतक हमारे माननीय कुलपति महोदय जी को मैं अपनी प्रणति निवेदन करता हूं। साथ में इस कार्यक्रम से जुड़े हुए जितने भी हमारे धर्म गुरु हैं सबको मैं प्रणाम करता हूं। सभी आयोजकों को साधुवाद देते हुए मैं वैदिक मंगलाचरण के यजुर्वेद के 6 मंत्र शिव संकल्प सुक्त एवं गीता के 15 अध्याय जो है उसका वाचन करने को प्रस्तुत हो रहा हूं। हरि ओम जज्जाग्रतो दूरामुदैति दैवान् तादो सुप्तस्याताथैवैति दूरंगमञ्ज्योतिखान् ज्योतिरेकान्तन्मे मानाः शिवाशं कल्पामस्तु जेना कर्माण्यापासो मानि कीणो जज्ये किण्वन्ति विदथे कुधीराः जादा पूर्वं जक्षमन्तः राजानान्तन्मे मानः शिवाशं कल्पामस्तु यत् प्रज्ञानामुत एतो धृतिश्च जज्योतिरन् तारामृतं प्राजासु जसमान्नारीते किञ्चन कर्म क्रियते तन्मे मानः शिवासंकल्पमस्तु जेनेदं भूतं भुवनं भाविकियत् पारिग्रहे तामामृतेन सर्वं मा जेन जज्यस्तायाते सप्ताहोता तन्मे मानः शिवासंकल्पमस्तु जस्मिन्रेचाः तामयजो गोखे जस्मिन् प्रातिष्ठिता भाविवारा जस्मिश्चित्तज्ञो सर्वामोतां प्रजानान् तन्मे मानः शिवासंकल्पमस्तु सुखारथिरसुवान् नेवमन्मानुखियान्ने नीयाते भेशुभिर्वा जेना एवाहृत्प्रातिष्ठान् जादा जीरञ्जाविष्ठन् तन्मे मानः शिवासंकल्पमस्तु। हरिः ओम। अथ 15 श्रीभगवानुवाच। ऊर्ध्वमूलमधःशाखम् अश्वत्थम् प्राहुरव्ययम् छन्दांसि यस्य पर्णानि यस्तम् वेद स वेदवेत्। अधश्चोर्ध्वम् प्रसितास्तस्य शाखा गुणप्रविर्धा विषयप्रवाला। अधस्य मूलान्यनुसन्ततानि कर्मानुबन्धेनि मनुष्यलोके न रूपमस्येह तथोपलभ्यते नान्तो न चादिर्न च सम्प्रतिष्ठा। अश्वत्थमेनं सुविरूढमूलमसङ्गशस्त्रेण दृढेन छित्त्वा ततः पदं तत्परिमार्गितव्यम् यस्मिन् गतानां निवतन्ति भूयः। त्वमेव चाद्यं पुरुषं प्रपद्ये यतः प्रवृत्तिः प्रसिता पुराणी निर्माणमोहाजितसङ्गदोषा
अध्यात्म नित्या विनिवृत्त कामा द्वंद्वैर् विमुक्ता सुख दुख संगै गच्छन्त मूढ़ा पदमव्ययम् तत् न तद भासते सूर्यो न शशांको न पावकः यद् गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम ममैवांसो जीवलोके जीवभूता सनातनः मनः षष्ठानिन्द्रियाणि प्रकृतिस्तानि कर्षति शरीरं यद् वाप्नोति जच्चापितामतिस्वरः गृहीत्वैतानि संयातिर्वायुर्गन्धा निवासयात् स्तोत्रं चक्षुस्पर्शनं च रसनं घ्राणमेव च अधिष्ठाय मनश्चायं विषयानुपसेवते उत्क्रामन्तं सिद्धं वापि भुञ्जानं वा गुणान्वितं विमूढानानुपश्यन्ति पश्यन्ति ज्ञानचक्षुषा यतन्तो योगिनश्चैनं पश्यन्तात्मन्यवस्थितं यतन्तो प्रकृतात्मानं नैनं पश्यन्ति चेतसः यदादित्यगतं तेजो जगद्भासयतेखिलं यच्च चन्द्रमसि यच्चाग्नौ तत्तेजो विधिमामकां मामकम् गामाविश्य च भूतानि धारयाम्यहमोजसा पुष्पाणि चौषधिः सर्वा सोमो भूत्वा रसात्मकः अहं वैश्वानरो भूत्वा प्राणिनां देहमाश्रितः प्राणापानसमायुक्तः पचाम्यन्नं चतुर्विधम् सर्वस्य चाहं हृदि सन्निविष्टो मत्तस्मृतिः ज्ञानमपोहनञ्च वेदैश्च सर्वैरहमेव वेद्यो वेदान्तकृत वेदविदेव चाहं द्वामिमौ पुरुषौ लोके क्षरश्चाक्षर एव च क्षरः सर्वाणि भूतानि कूटस्थोक्षर उच्यते उत्तमः पुरुषौ स्तन्यः परमात्मे तु दाहृतः यो लोकत्रयमाविश्य विभर्तव्ययमीश्वरः यस्मात् करमतीतोऽहं करादपि चोत्तमः अतोऽस्मि लोके वेदे च प्रथितः पुरुषोत्तमः यो मामेव सम्मूढो जानाति पुरुषोत्तमं स सद्विद्भजति मां सर्वभावेन भारत इति गुह्यतमं शास्त्रम् इदमुक्तं महानघ एतद् बुद्ध्वा बुद्धिमान् स्यात् कृतकृत्याश्च भारत ॐ तत्सद् श्रीमद्भगवद्गीतासूपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे पुरुषोत्तम योग नाम पञ्चदशः ॐ सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत् ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः बहुत-बहुत धन्यवाद आदरणीय त्रिपाठी जी का बहुत बहुत धन्यवाद। मंगलाचरण के बाद अब हम बौद्ध वाणी हेतु आदरणीय रोजी शर्मा मैडम क्योंकि लोक गायिका है लाहौल स्पीति से हमारे साथ जुड़ी हुई है हिमाचल प्रदेश से मैं आपको सादर आमंत्रित करता हूं आप हमें बौद्ध वाणी का संदेश प्रदान करेंगी आदरणीय शर्मा मैडम। सबसे पहले आप सभी को अटल बिहारी वाजपेयी विश्वविद्यालय के स्थापना दिवस की शुभकामनाएं। मैं बोध वाणी की कुछ एक पंक्तियां आप सभी के सामने रखने जा रही हूं। तर्षे जिशो दंतर शिने जिशो तर्षे जिशो दंतर शी जिशो मक्खन दुबा कुंजुम सोलो माखन दुबा कुंजुम सोलो
जीशु दशी जीशु दशी जीशु ग्यवे Gyalve timrilnam Tashi jisho Tashi jisho Dam Tashi jisho Tashi jisho Shiji Shu Yulgi Kimchi Kunzum Solo Yulgi Kimchi Kunzum Solo Tawashi Jishu Tawashi Jishu Tawashi Jishu Makhan Duba Kunzum Solo Gyalve timrilnam Tashi jisho बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय रोजी शर्मा मैडम. अब मैं पवित्र कुरान शरीफ की आयते के श्रवण के लिए आदरणीय मौलाना सैयद मोहम्मद जाहिर इमामो खतीब सुन्नी हुसैनी मस्जिद बिलासपुर से हैं आपको सादर आमंत्रित करता हूं. आदरणीय मौलाना सैयद मोहम्मद जाहिर जी हेलो मौलाना साहब नहीं है क्या? हामी सर माइक म्यूट है क्या उनका? देखिए तो हामी सर एक बार देखिए आवाज आ रही है. हेलो सही नहीं पढ़ रहे. हाँ, आवाज आ गई. हेलो हाँ हाँ सर उनका उनके में प्रॉब्लम आ रही है. मैं अपने फोन दे रहा हूँ उनको. हाँ ठीक जी जी. वीडियो ऑन कर लेना हामिद जी. जी जी एक मिनट जुड़ रहे हैं. हाँ वीडियो ऑन कर. हाँ जुड़ गए. Recording in progress. हमें सर एक बंद कर दीजिए मोबाइल. आपका बंद कर दीजिए हमें सर. ये आप ही कैसे जोड़ लीजिए? उनके में आवाज नहीं आ रही सर. हाँ तो उनका बंद कर दीजिए. आपके मोबाइल से जोड़ लीजिए. विकास अपने आप को भी म्यूट कर लो. तमाम लोगों को मेरी तरफ से आज जो अटल बिहारी महाविश्वविद्यालय के स्थापना दिवस है, इस स्थापना दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं सबको है. अल्लाह ताला इस महाविश्वविद्यालय को और भी तरक्की अता फरमाए और ये तरक्की के रास्ते पे चलता रहे. आज का ये प्रोग्राम है स्थापना दिवस के, जो कि 10वां स्थापना दिवस है इस महाविश्वविद्यालय का. और भी देश से बड़े ही मौजूद लोग भी जुड़े हुए हैं. हर धर्म के लोग यहाँ पर बैठे हुए गए. जैसा कि आज पूरा भारत
महाविश्वविद्यालय ने इकट्ठा कर लिया है, ये हमारे भारत देश की खूबी है कि सब लोग यहाँ मोहब्बत से प्रेम से रहते हैं और ये हमारे देश का हुस्न है, ये भारत की महानता है कि हर धर्म के लोग पूरे आज़ादी के साथ यहाँ पर रहते हैं, मिलजुल कर रहते हैं। अल्लाह ताला हमारे इस देश को और भी तरक्की अता फरमाए और हमारी जो ये प्रेम है मोहब्बतें है इसमें हमेशा इजाफा फरमाते रहे और हम सब जो है अपने देश को मिलजुल कर आगे बढ़ाते रहे। मुझसे पहले त्रिपाठी जी ने भी अपने एक बात को रखी और कुछ संस्कृत कलाम किए, उसके बाद हिमाचल प्रदेश से हमारी बहन ने बौद्धवाणी की है। अब मैं अपनी तरफ से जो है कुरान पाक की तिलावत रखने जा रहा हूँ। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين سبقت لهم إن الحسنى أولئك عنها مبعدون हेलो हामिद जी, आवाज नहीं आ रही है? हेलो ला यस्मऊन हसीसहा वहुम फीमश्तहत इश्तहत अनफुसुहुम खालिदून لا يحزنهم الفزع الأكبر وتتلقاهم الملائكة هذا يومكم الذي كنتم توعدون يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب كما بدأنا أول خلق نعيد وعدا علينا إنا كنا فاعلين ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها أن الأرض يرثها عبادي الصالحون إن في هذا لبلاغا لقوم عابدين وما للعالمين أمرت بالله صدق الله العلي العظيم جي بہت بہت شکریہ اوور ٹو متا جی بہت بہت دھنیواد
आदरणीय मौलाना सैयद मोहम्मद जाहिर जी का। इसके पश्चात मैं जीनवाणी हेतु आदरणीय अजय अहिंसा जी जो कि अधिवक्ता हैं, आपको सादर आमंत्रित करता हूं। आदरणीय अजय जी। जय जिनेंद्र, आप सभी को सादर नमस्कार। मेरी आवाज आ रही है जी? आज मेरा परम सौभाग्य है कि आज मैं सम्मानित श्री अटल बिहारी वाजपेयी विश्वविद्यालय के 10वें स्थापना समारोह में उपस्थित होने का मुझे सो अवसर प्राप्त हुआ है, और वह सो अवसर मुझे सम्माननीय दार्शनिक, चिंतक, लेखक, अर्थशास्त्री और जिनका पूरा जीवन धर्ममय, अध्यात्ममय है, ऐसे सम्माननीय श्री कुलपति महोदय आदरणीय एडीएन वाजपेयी साहब, आदरणीय श्री शर्मा जी का मैं बहुत बहुत आभार मानता हूँ कि जिन्होंने मुझे इस पावन प्रार्थना के, जिसमें सारे धर्म के विद्वत गण यहाँ पर उपस्थित हैं, मुझे भी जिनवाणी के बारे में कुछ दो शब्द बोलने का सो अवसर प्राप्त हुआ है। आदरणीय वाजपेयी जी, मैं आपके बारे में क्या कहूँ, मेरे पास शब्द नहीं। आप इतने अच्छे अच्छे हर जगह कार्यक्रम कराते हैं, आप जिस भी विद्यालय में जाते हैं, चाहे वो चित्रकूट विश्वविद्यालय हो, चाहे रीवा विश्वविद्यालय हो, चाहे कोई भी विश्वविद्यालय हो, आप जहां भी जाते वहां पर सिर्फ धर्म की गंगा बहती है। मैं आपको सादर प्रणाम करता हूँ। चार पंक्तियां मैं करता हूँ कि जैन धर्म के कुछ विनयांजलि प्रस्तुत करता हूँ। रमो रिहंताणम रमो सिद्धाणम रमो आयरियाणम रमो वज्रायाणम रमो लोए सवसाहुणम ऐशो पंच रमो यारो सब पावपनाशुणो मंगलांच सवेशिं परमं हवै मंगलम चत्तारि मंगलम अरिहंता मंगलम सिद्धा मंगलम शाहु मंगलम केवली पणत्यो धम्मो मंगलम चत्तारि लोगोत्तमा अरिहंता लोगोत्तमा सिद्धा लोगोत्तमा शाहूलो गोत्मा केवली पड़त्यो धम्मो लो गोत्मा चत्तारि शरणं पवज्जामि अरिहंते शरणं पवज्जामि सिद्धे शरणं पवज्जामि शाहु शरणं पवज्जामि केवली पड़त्यं धम्मं शरणं पवज्जामि। आ पवित्रा पवित्रो वा सुस्तोपि दुस्तोपि वा ध्याये पंच नमस्कारम सर्वपापे प्रमुच्यते। आ पवित्रा पवित्रो वा सर्वस्तां गतोपि वा या स्मरेत परमात्मानं सा वा यान्त्रे शुचि। अपराजित मंत्रोभ्यं सर्व विघ्न विनाशनम मंगलेषु च सर्वेषु प्रथमं मंगलम मतः। अरिहंतो भगवन्तेन्द्रमहिता सिद्धाश्च सिद्धीश्वरा आचार्या जिनशासनोन्नतिकरा पूज्या उपाध्यायकः श्री सिद्धांत सुपाठका मुनिवरा रत्नत्रयाराधिका पंचेति परमेश्चिना प्रतिदिनं कुर्वन्तु ते मंगलम् कुर्वन्तु ते मंगलम्। जिसने राग द्वेष कामादिक जीते सब जग जान लिया सब जीवों को मोक्ष मार्ग का निष्प्रह हो उपदेश दिया बुद्ध वीर जिन बुद्ध वीर जिन हरि हरि ब्रह्मा या उसको स्वाधीन कहूं भक्ति भाव से प्रेरित हो यह उसी में लीन रहे विषयों की आशा नहीं जिनके श्याम भाव धन रखते हैं
निज पर के हित साधन में जो निस दिन तत्पर रहते हैं। स्वार्थ त्याग की कठिन तपस्या बिना खेद जो करते हैं। ऐसे ज्ञानी साधु जगत के दुख समूह को हरते हैं। मैत्री भाव जगत में मेरा सब जीवों से नित रहे। दीन दुखी जीवों पर मेरे पुरुष करुणा स्रोत बहे। रहे डोले कंप निरंतर यह मन दृढ़तर बन जावे। इष्ट वियोग अनिष्ट योग में सहनशीलता दिखलावे। सुखी रहे सब जीव जगत के, सुखी रहे सब जीव जगत के, कोई कभी ना दुख पावे। बैर पाप अभिमान छोड़ जग नित नए मंगल गावे। घर घर चर्चा रहे धर्म की, दुष्कृत दुष्कर हो जावे। ज्ञान चरित उन्नति कर अपना, मनुज जन्म स्थल सब पावे। इति भीति व्यापे नहीं जग में, वृष्टि समय पर हुआ करे। धर्मनिष्ठ हो कर राजा भी, न्याय प्रजा का किया करे। रहे भावना ऐसी मेरी, सरल सत्य व्यवहार करूं। बने जहां तक इस जीवन में, औरों का उपकार करूं। इत्थम सृजिन मंगलाष्टकम् इदम् सौभाग्य संपत्क्रम कल्याणेषु महोत्सवेषु तृतीयस् तीर्थंकराणामुषा ये शृण्वन्ति पठन्ति ते सुजनय धर्मार्थ कामान्विता। लक्ष्मीराश्रयते व्यापार रहता निर्वाण लक्ष्मीरपि। सर्व मंगल मांगल्यम सर्व कल्याण कारकम प्रधानानं सर्व धर्मानं जैनम जयतु शासनम। जय जिनेन्द्र। नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय अजय अहिंसा जी। अब मैं पवित्र बाइबल की प्रार्थना हेतु फादर एन आर बर्डे सीनियर प्रिस्ट डिसाइपल्स ऑफ क्रिस्ट चर्च सिविल लाइन बिलासपुर को सादर आमंत्रित करता हूं। आदरणीय फादर एन आर बर्डे जी। मेरी आवाज आ रही है आप लोगों को शायद? जी सर आ रही है। अटल बिहारी वाजपेयी विश्वविद्यालय बिलासपुर के 10वें स्थापना दिवस के अवसर पर आयोजित इस विशिष्ट कार्यक्रम में आप लोगों ने आमंत्रित किया, आपको सबको धन्यवाद कहता हूँ। विशेष रूप से कुलपति श्री सुधीर शर्मा जी और आज के विशिष्ट अतिथि श्री महंत राम सुंदर जी और हमारे सारे धर्म गुरु और सारे विशिष्ट लोग जो यहाँ पर बैठे हुए हैं। जब वाजपेयी जी की बात आती है, अटल बिहारी वाजपेयी जी की बात आती है, तो बुद्धि की बात आती है, विजडम की बात आती है और उनके कंट्रीब्यूशन की बात आती है कि भारतवर्ष में प्रधानमंत्री रहते हुए और उसके पूर्व भी उनका जो कंट्रीब्यूशन रहा है भारतवर्ष के लिए वो बहुत सशक्त रहा है, जहां तक बुद्धि की बात है, जहां तक ज्ञान की बात है। और आज सुबह के समय में इस विशिष्ट अवसर पर पवित्र बाइबल में से मैं बुद्धि की बातें पढ़ना मांगता हूं, ताकि हम सब के माध्यम से, हमारी प्रार्थनाओं के माध्यम से, सब धर्म गुरुओं की प्रार्थनाओं के माध्यम से और जो विशिष्ट लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं, विशिष्ट अतिथिगण बैठे हैं, उन सारे लोगों के सहयोग से ये विश्वविद्यालय ऊंचाइयों तक और ऊंचाइयों तक पहुंचता चला जाए और अपनी बुद्धि वो दूसरों को बांट सके, इस देश का बेहतर निर्माण कर सके और हमारा देश उन्नति के रास्ते पर जा सके। पवित्र बाइबल में बुद्धि के लिए इस प्रकार से बातें लिखी गई हैं, मैं आपके सामने में पढ़ना मांगता हूं बाइबल से। हे मेरे पुत्रों, पिता की शिक्षा सुनो और समझ प्राप्त करने में मन लगाओ, क्योंकि मैंने तुमको उत्तम शिक्षा दी है, मेरी शिक्षा को ना छोड़ो। देखो, मैं भी अपने पिता का पुत्र था और माता का अकेला दुलारा था, और मेरा पिता मुझसे यह कहकर सिखाता था कि तेरा वचन
तेरा मन मेरे वचन पर लगा रहे, तू मेरी आज्ञाओं का पालन कर, तब तू जीवित रहेगा। बुद्धि को प्राप्त कर, वह तेरी रक्षा करेगी, उससे प्रीति रख, वह तेरा पहरा देगी। बुद्धि श्रेष्ठ है, इसलिए उसकी प्राप्ति के लिए यत्न न कर। जो कुछ तू प्राप्त करे उसे प्राप्त तो कर, परंतु समझ की प्राप्ति का यत्न घटने ना पाए। उसकी बढ़ाई कर, वह तुझको बढ़ाएगी। बुद्धि के लिए बोल रहा है, उसकी बढ़ाई कर, वह तुझको बढ़ाएगी। जब तू उससे लिपट जाए तब वह तेरी महिमा करेगी। वह तेरे सिर पर शोभायमान मुकुट बांधेगी, भूषण बांधेगी और तुझे सुंदर मुकुट देगी। हे मेरे पुत्र, मेरी बातें सुनकर ग्रहण कर, तब तू बहुत वर्ष तक जीवित रहेगा। मैंने तुझे बुद्धि का मार्ग बताया है और सिधाई के पथ पर चलाया है। चलने में तुझे रोक टोक ना होगी और चाहे तू दौड़े तो भी ठोकर ना खाएगा। शिक्षा को पकड़े रहे, उसे ना छोड़, उसकी रक्षा कर, क्योंकि वही तेरा जीवन है। दुष्टों की राह में पांव ना रखना और ना बुरे लोगों के मार्ग पर चलना। उसे छोड़ दे, उसके पास से भी ना चल, उसके निकट से मुड़कर आगे बढ़ जा, क्योंकि दुष्ट लोग यदि बुराई ना करें तो उनको नींद नहीं आती और जब तक वे किसी को ठोकर ना खिलाएं तब तक उन्हें नींद नहीं मिलती। वे तो दुष्टता की कमाई से रोटी खाते और उपद्रव के द्वारा पिया हुआ रस पीते हैं, परंतु धर्मियों का की चाल उस चमकती हुई ज्योति के समान है जिसका प्रकाश दोपहर तक अधिक अधिक बढ़ता जाता है। दुष्टों का मार्ग घोर अंधकारमय है, वे नहीं जानते कि वे किससे ठोकर खाते हैं। हे मेरे पुत्र, मेरे वचन पर ध्यान करके सुन और अपना कान मेरी बातों पर लगा। इनको अपनी आंखों से ओट ना होने दे, वरन अपने मन में धारण कर। बुद्धि को अपने मन में धारण कर, क्योंकि जिनको वो प्राप्त होती है उनके जीवित रहने का और उसके उसके सारे शरीर के चंगे होने का कारण बुद्धि ही होती है। सबसे अधिक अपने मन की रक्षा कर, क्योंकि जीवन का स्रोत बुद्धि है। टेढ़ी बात अपने मुंह से मत बोल और चालबाजी की बातें कहना तुझसे दूर रहे। तेरी आंखें सामने की ओर लगी रहे और तेरी पलकें आगे की ओर झुकी रहे। अपने पांव रखने के लिए मार्ग को समतर कर और तेरे सब मार्ग ठीक रहें। ना तो दाहिने मुड़ना और ना बाएं, और अपने पांव को बुराई के मार्ग पर चलने से हटा ले। ये परमेश्वर का वचन है जो परमेश्वर की बाइबल में लिखा हुआ है। परमेश्वर का वचन है और आज सुबह के समय में जब ये सौभाग्य हमको मिला है, मैं आपके सामने अटल बिहारी वाजपेयी विश्वविद्यालय के लिए एक छोटी प्रार्थना करना मांगता हूं जो हम सब चर्च में करते हैं, अटल बिहारी वाजपेयी यूनिवर्सिटी के लिए और आप सब लोगों के लिए। दो मिनट की प्रार्थना मैं करूंगा। सामर्थी प्रभु जी, आज सुबह के समय में हम आपके चरणों के नजदीक में आए हुए हैं और विशेष रूप से बुद्धि के उस स्रोत के लिए जो बिलासपुर में अटल बिहारी वाजपेयी विश्वविद्यालय के रूप में स्थापित किया गया है। परमेश्वर पिता, हम जानते हैं कि वो बुद्धि का स्रोत है। वहां से जो विद्यार्थी निकलते हैं देश का निर्माण करते हैं और देश का निर्माण करते हैं और देश उन्नति के रास्ते पर जाता है। वहां पर शांति और व्यवस्था बनी रहती है और जैसा तेरे वचन में हमने आज पढ़ लिया बाइबल से कि परमेश्वर का भय मानो और वही बुद्धि का स्रोत है। हम प्रार्थना करते हैं यूनिवर्सिटी के लिए, सभी एडमिनिस्ट्रेटर्स लोगों के लिए, हम प्रार्थना करते हैं कुलपति के लिए, शिक्षक वृंद के लिए और तमाम उन लोगों के लिए जो इस यूनिवर्सिटी को आगे बढ़ाने में मदद करते हैं। पिता परमेश्वर, आपकी स्वर्गीय और आत्मिक आशीषें इस यूनिवर्सिटी के माध्यम से हमारे देश को मिलती रहे, हमारे प्रदेश को मिलती रहे। आज के इस आयोजन में जबकि हम 10वां वर्ष मनाते हैं, इसकी वर्षगांठ मनाते हैं, हम चाहते हैं परमेश्वर पिता कि स्वर्ग की ओर से तेरा पथ प्रदर्शन हमारी इस यूनिवर्सिटी को मिलता रहे, ताकि इसकी एक छाप न केवल बिलासपुर में, न केवल छत्तीसगढ़ में, न केवल भारतवर्ष में, परंतु संसार के कोने कोने में हो सके। हमारे पिता परमेश्वर,
सारे धर्मावलंबी जो हम यहाँ पर इकट्ठे हो सके, हम आप सबका धन्यवाद मानते हैं कि आपने हमको एक मन और एक चित दिया है कि भारतवर्ष की उन्नति में हम सबका सहयोग हो सके। आपके नाम से इस विनती को, इस प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के धन्य और मीठे नाम से मांगते हैं, सुन और कबूल कर लेना, आमीन आमीन। आप सबों को वंदे मातरम। आमीन आमीन। वंदे मातरम। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय फादर एनआर बर्डे जी। इसके पश्चात में गुरुवाणी प्रार्थना के लिए आदरणीय भाई मान सिंह बदला जी, मुख्य ग्रंथी श्री गुरु सिंह सभा गुरुद्वारा दयालबंद बिलासपुर जी को सादर आमंत्रित करता हूं कि वो हमें गुरुवाणी का संदेश प्रदान करें। आदरणीय बदला जी। सभी को वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। आज श्री अटल बिहारी वाजपेयी विश्वविद्यालय का 10वां स्थापना दिवस है। आप सभी को प्रचारक लोग, कुलपति जी और सभी जो धर्मों के प्रचारक जुड़े हुए हैं, सभी को बहुत बहुत बधाई हो। आपने मुझे इस बहुत बड़े अवसर पर बोलने का समय दिया, इसके लिए भी मैं आपका बहुत आभारी हूँ। गुरु ग्रंथ साहिब जी की बाणी लिखने वाले भाई गुरदास जी एक वचन लिखते हैं अपनी कविता में कि जैसे सात मंदिर कंचन के उसार दीने, तैसा पुन एक सिख को शब्द सिखाएगा। एक किसी को सात मंदिर सोने के बनाकर दान कर दिए और जहां किसी एक को विद्या का शब्द सिखा दिया, उसका उसके बराबर हमको लाभ मिलता है, पुण्य मिलता है। गुरु ग्रंथ साहिब में लिखा हुआ है विद्या विचारी ना पर उपकारी, कि जो विद्या है, जो शिक्षा है, ये सभी के लिए परोपकार का ही काम करती है। आज कोई जहां यूनिवर्सिटी से सीख कर निकलेगा, आगे जाके बढ़ेगा और किसी को शिक्षा देगा, उसका भी जीवन सफल होगा, उसका भी जीवन संवरेगा और जो उससे आगे शिक्षा लेगा उसका भी जीवन संवरेगा। विश्वविद्यालय की 10वीं वर्षगांठ पर सभी को बहुत बहुत बधाई हो। गुरु ग्रंथ साहिब पातशाह महाराज जी में हमको जो शिक्षा मिलती है वो यही मिलती है कि हम सदैव परमात्मा को अपने जीवन में याद रखें, अपने सुरत में परमात्मा को याद रखें और अपना जो नित्य कर्म है उसको करते रहें। भक्त नामदेव जी अपनी वाणी में बोलते हैं कि नामा कहे तिलोचना मुक्ति राम समाल, हाथ पांव कर काम सब चीत निरंजन नाल। हमारी सुरत परमात्मा से जुड़ी रहनी चाहिए और हमारे जो हाथ पांव है वो दुनियावी काम करते रहने चाहिए। अगर हमारे जीवन में परमात्मा का नाम रहेगा तो हमारे जीवन में कभी भी गलत काम नहीं होगा, हमारे हाथ से कभी भी किसी की बुराई नहीं होगी, सदैव सभी का भला होगा, सभी का परोपकार होगा। गुरु ग्रंथ साहिब पातशाह महाराज जी कृपा करते हैं कि अगर हम अपने जीवन में गुरु की वाणी को, परमात्मा के नाम को याद रखते हैं अपने सुरत में, अपने हृदय में, तो परमात्मा सदैव ही हमारे ऊपर कृपा करता है और हमको कभी भी नीचे नहीं गिरने देता, अपने जीवन स्तर से, अपने सिद्धांतों से, आत्मिक गुणों से। पातशाह जी कृपा करते हैं पावन वाणी में, जातु मेरा वल है ता क्या मुशंदा, तुझ सब किश मैनो सौंपिया, जा तेरा बंदा लक्ष्मी टूट ना आवे, खाए खर्च रहंदा, मेदनी सब सेव करंदा, यह वैरी मित्र सब कीतिया, नह मंगे मंदा, लेखा कोई ना पुछे जा हर बख्शंदा, आनंद भया सुख पाया, मिल गुरु गोविंदा, सबे काज सवारे जा तुद भावंदा, ताती वाव ना लगई पार ब्रह्म शरणाई, चौ गिरद हमारे राम कार, दुख लगे ना भाई, सतगुर पूरा भेटिया जिन बणत बनाई, राम नाम औखदिया एका लिवलाई, राख लिए तिन रखन हार, सब व्याध मिटाई, कौ नानक कृपा भई प्रभ भई सहाई। अगर परमात्मा हमारे जीवन में सहाई होगा तो हमारे जीवन में सदैव ही खुशियां रहेंगी, हमारा जीवन जो है सदैव ही दुखों से, क्लेशों से मुक्त रहेगा। गुरु गोविंद सिंह पातशाह जी कृपा करते हैं कि रोगन ते अर सोगन ते जल जोगन ते बहु भांत बचावै, सतर अनेक चलावत कावत तऊ तन एक न लागन पावै,
राखत है अपनों कर दे कर पाप समूह न भेटन पावे और की बात कहां कह तू सौ सो पेट ही के पट बीच बिचावे। जैसे आज कोरोना महामारी का समय चल रहा है उसके लिए गुरु पातशाह महाराज जी फरमान करते हैं कि अगर परमात्मा हमारा साथी बन के रहेगा, परमात्मा हमारे हृदय में रहेगा तो हमको जहां ही नहीं जो माता के गर्भ में बच्चा अभी पल रहा है पेट ही के पाट बीच बिचावे, उसको माता के पेट में भी परमात्मा रक्षा करता है। इसलिए गुरु चरणों में विनती है अगर आप सभी साथ दें तो जो अरदास करते हैं हम गुरु घर में तो दो मिनट के लिए गुरु चरणों में यूनिवर्सिटी की बढ़ोतरी के लिए और सभी की दुनिया जो लोग हैं उनकी कोरोना महामारी से छुटकारे के लिए रक्षा के लिए अरदास करेंगे। सभी से विनती है कि अगर आपके पास रुमाल है तो अपने सिर पर रुमाल ले लीजिए। हम दो मिनट के लिए खड़े होकर बाबा के चरणों में अकाल पुरख परमात्मा के चरणों में अरदास करेंगे। बोलना जी वाहिगुरु वाहिगुरु अरदास एक ओंकार वाहिगुरु जी की फतेह। श्री भगवती जी सहाय वार श्री भगवती जी की पातशाही दसवीं प्रथम भगवती सिमर कै गुरु नानक लई त्याय फिर अंगद गुरते अमरदास रामदास हुई सहाय अर्जन हर गोविंद नो सिमरो श्री हर राय श्री हर कृष्ण त्याई है जिस दिठै सब दुख जाय। हेलो गुरु श्री गुरु ग्रंथ साहिब पातशाह जी महाराज आप जी के पावन चरण कमलां विच अरदास बेनती जोड़ी है पातशाह जी अटल बिहारी विश्वविद्यालय दे पातशाह जी दसवें बरेगंढ की खुशी दे विच पातशाह जी समूह सेवकां वलों अध्यापकां दे वलों सिखण वालियां दे वलों पातशाह जी यूनिवर्सिटी दी चढ़दी कला दे वास्ते संसार भर दे लोगां दी देह रोगता तंदुरुस्ती दे वास्ते अरदास बेनती है पातशाह जी कृपा करो। तीने ताप निवारण हारा दुखांता सुख रास ताको बिघन न को लागे जाकी प्रभ आगे अरदास। जगत जलंदा रख लै अपनी कृपा धार जित द्वारै उबरै तितै लहो उबार। पातशाह जी कृपा करनी समुचे संसार भर के जीवां दे सीस ते मिहर भरिया हथ रखना दे रोगता तंदुरुस्ती दीआं दातां बख्शणियां दुखां कलेशां दा नाश करना। समुचे संसार भर के जीवां नूं आपस विच प्रेम प्यार एका इतफाक दीआं दातां चढ़दीआं कलां बख्शणियां पातशाह जी कृपा करनी जी। अटल बिहारी विश्वविद्यालय के समूह टीचर साहिबानां दे उत्ते पढ़न वालियां दे उत्ते मिहर भरिया हथ रखना चढ़दी कला दे नाल पातशाह जी कार्ज करन दी विद्या दा प्रचार प्रसार करन दी बल उद्यम समर्था बख्शनी कृपा करनी जी। सभना नू मन करके भावना करके देश कौम दे सेवादार बनाउणा चढ़दियां कलां बख्शनियां जी। सरबत दे कारज रास करने से ही प्यारे मेल जिन्हां मिलिया तेरा नाम चित आवे नानक नाम चढ़दी कला तेरे भाणे सरबत दा भला। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। बोले सो निहाल श्री अकाल वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। आप सभी को फिर से एक बार पुनः पुनः दसवीं वर्षगांठ की श्री अटल बिहारी वाजपेयी विश्वविद्यालय की स्थापना की बहुत बहुत बधाई हो जी। आप सभी का तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद जी। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय भाई मान सिंह बदला जी, आपने गुरुवाणी का संदेश हमें अपने प्रार्थना के माध्यम से दिया। अब मैं कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे अटल बिहारी वाजपेयी विश्वविद्यालय के माननीय कुलपति आदरणीय आचार्य अरुण दिवाकर नाथ वाजपेयी जी को अध्यक्ष उद्बोधन हेतु सादर आमंत्रित करता हूं। माननीय कुलपति जी। मनोज जी मुझे लगता है पहले महंत जी का आशीर्वाद दिया जाए। जी सर, महंत राम सुंदर दास जी जुड़े अपने साथ में, पहले उनका आशीर्वाद लेंगे हम लोग, है ना? जी सर, जी सर। उनके आशीर्वाद के बाद मैं कुछ बातें मैं मान जी को साष्टांग दंडवत करता हूँ और उनसे अनुरोध करता हूँ वे हम सबको आशीर्वाद दें। सर्वधर्म प्रार्थना सभा के मुख्य अतिथि आदरणीय
माननीय श्री महंत राम सुंदरदास जी अध्यक्ष गौ सेवा आयोग छत्तीसगढ़ को आमंत्रित करूं, उससे पूर्व मैं आपके बारे में थोड़ी सी जानकारी दूंगा। आपका जन्म जांजगीर चांपा जिले के पिहरीत गांव में हुआ था। आप अध्ययन के लिए रायपुर आए थे, दूधाधारी मठ में रहकर आपने अपनी पढ़ाई पूरी की, साथ ही साथ आपने धार्मिक कार्य में भी आपने अपना योगदान दिया। आपके कार्यों से प्रभावित होकर महंत वैष्णवदास महंत जी ने आपको अपना उत्तराधिकारी घोषित किया। आपने संस्कृत विषय में एमए किया है और साहित्य में आपको आचार्य की उपाधि मिली है। रामायण कालीन ऋषि मुनियों के तुलनात्मक अध्ययन के विषय में आपने पीएचडी की है। मैं सम्मान आदरणीय श्री महंत राम सुंदरदास जी को आमंत्रित करता हूं अपने उद्बोधन के लिए। आदरणीय राम सुंदरदास जी। अनम्यूट कीजिए महाराज जी अपने को। महंत जी अनम्यूट कर लीजिए, आपकी आवाज नहीं आ रही है। जय जय श्री सीताराम। जय जय श्री सीताराम। आवाज आ रही है? जी आ रही है। शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं सुवांगं लक्ष्मीकांतं कमलनयनं योगभिध्यानगम्यं वंदे विष्णु भवभयहरणं सर्वलोकैकनाथं मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बोधिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरज्योतिमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। विप्रकुलभूषण भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी जी के नाम से यह विश्वविद्यालय संचालित है। आज उसकी 10वां हम सब स्थापना दिवस मना रहे हैं। इस विश्वविद्यालय के सम्माननीय कुलपति आचार्य श्री वाजपेयी जी, कुल सचिव डॉक्टर सुधीर शर्मा जी, सभी प्राध्यापकगण, प्रशासनिक अधिकारीगण और इस सर्वधर्म प्रार्थना में सभी उपस्थित सभी धर्म के प्रबुद्ध संतगण, उपस्थित सभी सज्जनों, हम सबका यह परम सौभाग्य है कि हमारी छत्तीसगढ़ की न्यायधानी बिलासपुर में यह विश्वविद्यालय अटल बिहारी वाजपेयी विश्वविद्यालय स्थापित है, जिसका आज हम 10वां स्थापना दिवस मना रहे हैं। 9 वर्ष गौरवशाली इतिहास इस विश्वविद्यालय का रहा है। स्थापना काल से ही यह जन भावनाओं के अनुकूल और छात्राओं के हित में कार्य की है। हमारे बहुत ही अच्छे विद्वान आचार्य वाजपेयी जी जिसके कुलपति हैं और बहुत ही अच्छे प्रशासनिक हमारे काम करने वाले डॉक्टर सुधीर शर्मा जी कुल सचिव हैं, जिनके कुशल निर्देशन में यह विश्वविद्यालय इस वैश्विक महामारी कोरोना काल में भी छात्रों के हित में जो निर्णय लिए हैं उसके लिए बधाई के पात्र हैं। और आज सर्वधर्म सभा प्रार्थना सभा का आयोजन भी इस विश्वविद्यालय के द्वारा 10वें स्थापना दिवस पर किया गया है। जितने भी इसकी प्रशंसा किया जाए वह कम ही है, क्योंकि हमारे भारतीय संस्कृति सनातन धर्म में पूर्व से ही हमारे ऋषियों ने, हमारे आचार्यों ने जिस समय विद्यालय विश्वविद्यालय नहीं हुआ करते थे उस समय आश्रमों में शिक्षा व्यवस्था चलाया करते थे, और आज यह विश्वविद्यालय इस रूप में है और हमारे आदरणीय वाजपेयी जी बहुत अच्छे ढंग से, जय इस विद्यालय का नाम ही वाजपेयी जी के नाम से है और संयोग से आज हमारे कुलपति आदरणीय आचार्य वाजपेयी जी हैं जो बहुत अच्छे ढंग से अपने सभी कुशल नेतृत्व से इस विश्वविद्यालय का संचालन कर रहे हैं। मैं बहुत बहुत शुभकामना और बधाई देना चाहता हूं। मैं भगवान से, सरस्वती मातेश्वरी से
गौ माता से मैं प्रार्थना भी करना चाहता हूँ कि इस विश्वविद्यालय में पढ़ने वाले छात्र छात्राएं बहुत अच्छे आगे बढ़ें, अपने माता पिता का, अपने गुरुजनों का, हमारे राष्ट्र का और साथ में आगे चल के पूरे विश्व में इस विश्वविद्यालय का नाम रोशन करें, ऐसे मैं कामना भी करना चाहता हूँ। इस वैश्विक महामारी के कारण हम एक साथ बैठ के कोई कार्यक्रम नहीं कर पा रहे हैं, उसके बाद भी इस विषम परिस्थिति को देखते हुए भी आप सब ने इतना अच्छा वर्चुअल के माध्यम से स्थापना दिवस आज आप सब मना रहे हैं और हम सबको आपने शामिल होने का सुअवसर प्रदान किया। मनोज जी देखिए, हेलो राम तीरथ, हेलो आवे महाराज जी, आवे 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 जी महाराज जी, आपकी आवाज आ रही है, आप बोलिए। क्या मतलब है यार, दो घंटा बैठक कोई मतलब है नहीं निकल निकल। हेलो रवि जी महंत जी का मोबाइल ठीक कर दो। रवि जी ये कर रहा हूँ। हाँ आप पास में ही रहो। आप ठीक है महंत जी। हाँ रवि जी ऑन कर लीजिए वीडियो। रवि जी रवि जी रवि जी हेलो सर, उनके कोई लिंक में प्रॉब्लम आ गई है, नाम भी अलग नहीं आ रहा है। नहीं अब तो एग्जिट हो गए हैं। एग्जिट हो गए। कंटिन्यू करें। ठीक है जी मनोज सर, कंटिन्यू करें जी। वो एग्जिट हो गए हैं। ओके बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय महंत राम सुंदर दास जी, आज स्थापना दिवस पर आपका आशीर्वाद हमें मिला, पूरा विश्वविद्यालय परिवार गौरवान्वित हुआ। अब मैं कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे अटल बिहारी वाजपेयी विश्वविद्यालय के माननीय कुलपति आदरणीय आचार्य अरुण दिवाकर नाथ वाजपेयी जी को अपने अध्यक्षीय उद्बोधन के लिए सादर आमंत्रित करता हूं। आदरणीय माननीय कुलपति जी धन्यवाद। मनोज सिन्हा जी, हमारे इस सर्वधर्म प्रार्थना सभा अत्यंत सम्माननीय मुख्य अतिथि, हम सबके श्री महंत राम सुंदर दास जी महाराज, माननीय अध्यक्ष सेवा आयोग छत्तीसगढ़, विश्वविद्यालय के कुल सचिव प्रोफेसर सुधीर शर्मा जी, डॉक्टर मनोज सिन्हा जी और हमारे कार्यक्रम से जुड़े हुए बहुत से आचार्य, जिसमें कि सुमित तिवारी जी, गौरव साहू जी, सीमा बिलोरकर, पूजा पांडे, सभी लोग जुड़े हुए हैं। सबसे पहले मैं अपने विश्वविद्यालय के समस्त अधिकारियों को, कर्मचारियों को, छात्र छात्राओं को
विश्वविद्यालय के दशम स्थापना दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं प्रदान करता हूं। और आज का जो दसवां स्थापना दिवस है, इसमें हमने ये सोचा था कि वैसे भी कोरोना काल में हमारी मानवता पीड़ित है, और पीड़ित मानवता बचाने के लिए सिर्फ और सिर्फ एक मार्ग तो प्रार्थना ही है जो बचा सकती है, इसके अतिरिक्त कुछ नहीं। दवाइयों की अपनी सीमा है, दुआओं की कोई सीमा नहीं होती है। दवाइयाँ जहाँ पर रुक जाती हैं, वहाँ से दुआएं जो काम किया करती हैं। इसके लिए हमने सोचा कि सबका आशीर्वाद लिया जाए। हमारे अनुरोध पर आदरणीय उपेंद्र त्रिपाठी जी, जो कि बनारस हिंदू विश्वविद्यालय बाबा काशीनाथ की नगरी में स्थापित है, विश्व का सबसे बड़ा विश्वविद्यालय है, वहाँ संसद वेद विज्ञान के आचार्य हैं, वेद के अनुसंधान केंद्र के अध्यक्ष हैं, वो जुड़े थे। और लगभग 14,000 फिट हाइट पर लाहौल स्पीति, जो कि हिमाचल प्रदेश का भी टॉप ऑफ द हिल्स है, वहाँ से रोजी शर्मा जुड़ी, जिन्होंने बौद्ध वाणी उनको सुनाई। दमोह क्षेत्र से जिन वाणी लेकर के भाई अजय अहिंसा जी आए, श्रेष्ठ उच्चारण के साथ में भगवान महावीर की प्रार्थनाओं से हमें कृतार्थ किया। हमारे शहर के ही फादर एन आर बर्डे जी, उन्होंने प्रार्थना की विश्वविद्यालय के लिए, हमें आशीर्वाद दिया। यहाँ के सुन्नी हुसैनी मस्जिद के इमाम साहब मौलाना सैयद मोहम्मद जाहिर साहब हमारे बीच में तशरीफ लाए, उन्होंने अपने रहम करम से नवाजा हम लोगों को। और श्री गुरु सिंह सभा गुरुद्वारा दयालवन बिलासपुर से भाई मान सिंह बदला जी का हमने गुरुवाणी सुनी, इन सब का एक सम्मिलित प्रभाव ये हुआ कि हमारा विश्वविद्यालय प्रगति करेगा, एक सकारात्मक ऊर्जा हमको प्राप्त होगी, और जितनी जो निगेटिविटी है, जितनी नकारात्मकताएं हैं, वे हमसे दूर होगी। भारतवर्ष की संस्कृति में जो पूरा का पूरा विश्वास है, भौतिकता नहीं आध्यात्मिकता है, हमारी आध्यात्मिकता में जो आत्मा है उसको केंद्र में रख करके हमने व्यवहार किया है। हमने दिखाई पड़ने वाले जितने भी तत्व हैं, जितने पैरामीटर्स हैं, उनमें हमने कम ही विश्वास किया। कल कबीर की जयंती थी, मुझे एक जगह बोलना था, आपको शायद पता होगा, मान सिंह बदला जी को पता होगा कि गुरु नानक देव की कबीर जी से भेंट हुई थी। बहुत बार ऐसा कहा जाता है कबीर बहुत पहले के हैं, 100-125 साल पहले के हैं, गुरु नानक देव बाद में, कैसे भेंट हुई। गुरु नानक देव जितनी यात्राएं की हैं, उनकी उदासियों के बारे में जितनी आप बात ही नहीं कर सकते। विश्व की सबसे अधिक भ्रमण किसी ने किया है तो गुरु नानक देव जी ने किया, कोई इसी धरती का कोना नहीं बचा जहां नहीं गया। तो जब बनारस से मगहर की तरफ जा रहे थे, तो मगहर में उनको पता चला यहीं पर कबीर ने अपना शरीर त्यागा है। गुरु नानक देव के पास में वो विधा थी, वो विद्या थी, जिससे आत्माओं को सशरीर बुला लेते थे, और बुला करके उन्होंने बातचीत की, और कबीर की वाणी को यथावत गुरु ग्रंथ साहब में उन्होंने शामिल किया है। वहाँ पर कबीर गुरुद्वारा करके कबीर चौरा जहाँ बना है, वहीं कबीर गुरुद्वारा भी वहाँ बना हुआ है। ये जो हम लोगों ने बीच में चीज़ें डाल रखी हैं, इनसे हट करके विश्वविद्यालय का काम होता है, हमारे बीच में जो भाईचारा है उसको बढ़ाया जाए। एक प्रयोग हमारा ये भी था, मैं जब शिमला में वाइस चांसलर था तो वहाँ पर भी हमने इस प्रकार के प्रयोग किए थे। हम चाहेंगे हमारे विश्वविद्यालय से आप निरंतर जुड़े रहें, महंत जी का आशीर्वाद हमको मिलता रहे, फादर एन आर बड्डे जी का आशीर्वाद मिलता रहे, मौलाना साहब का मिलता रहे, भाई मान सिंह जी का आशीर्वाद मिलता रहे जो हमारे शहर में ही है। हम और भी लोगों को जोड़ेंगे, मैं खुद आऊँगा चर्च में, जाऊँगा मैं खुद जाऊँगा मस्जिद में, खुद आऊँगा गुरुद्वारे में बैठ करके आपसे आशीर्वाद लूँगा, और आपकी जो शिक्षाएँ हमको किस प्रकार से विश्वविद्यालय में जोड़ सकें,
रोजी शर्मा, अजय अहिंसा और हमारे प्रोफेसर उपेंद्र त्रिपाठी जी, इनको अपने विश्वविद्यालय में बुलाएंगे। फिर जब सब चीजें नॉर्मल हो जाएंगी, ठीक हो जाएंगी इंशाल्लाह, तब सब लोग मिलकर एक साथ बैठ करके हम काम करेंगे और एक ऐसा प्रयोग करेंगे जिसको न केवल हिंदुस्तान, पूरा संसार देखेगा। अटल बिहारी वाजपेयी जिनके नाम पर विश्वविद्यालय बना है, वो जो सारी सारे सब लोग साथ साथ देखकर छोड़ देते हैं। मैं प्रायः कहता हूँ जिस महामानव के नाम पर ये विश्वविद्यालय बना है, उसी स्तर के इस विश्वविद्यालय को बनाने की मेरी कल्पना है। मैं छोटा सा सेवक हूँ विश्वविद्यालय का। आप सबका मुझे आशीर्वाद चाहिए, आपकी ब्लेसिंग चाहिए, आपकी दुआएं चाहिए, आपकी कृपा चाहिए। हमें व्यक्तिगत रूप से और विश्वविद्यालय को पूरे तौर पर, मुझे पूरी उम्मीद है आप उनको नवाजेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। वंदे मातरम। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय कुलपति जी का, आपके पहल पर हम आज ये सर्वधर्म प्रार्थना सभा कर पा रहे हैं। आपका मार्गदर्शन निरंतर हम लोगों को नई राह दिखाता है। निश्चित रूप से आज का ये जो प्रार्थना का कार्यक्रम हुआ है और जो गुरु धर्म गुरुओं का आशीर्वाद हमें मिला है, उससे विश्वविद्यालय का उत्तरोत्तर निरंतर प्रगति होगा। अब मैं कार्यक्रम के अंतिम चरण में हमारे जो अतिथि आए हैं उनके लिए आभार प्रदर्शन करूंगा माननीय कुलपति जी की अनुमति से। कार्यक्रम में उपस्थित कार्यक्रम के मुख्य अतिथि माननीय रामसुंदर दास जी का मैं आभार व्यक्त करता हूं कि आपने आज स्थापना दिवस के अवसर पर अपना समय दिया। आपका विश्वविद्यालय परिवार बहुत बहुत आभार व्यक्त करता है। कार्यक्रम में उपस्थित आदरणीय प्रोफेसर उपेंद्र कुमार त्रिपाठी जी का भी विश्वविद्यालय परिवार आभार व्यक्त करता है। कार्यक्रम में उपस्थित आदरणीय रोजी शर्मा मैडम का भी विश्वविद्यालय परिवार आभार व्यक्त करता है। इसी तरह से कार्यक्रम में उपस्थित आदरणीय मौलाना सैयद मोहम्मद जाहिर जी का भी विश्वविद्यालय परिवार बहुत बहुत आभार व्यक्त करता है। कार्यक्रम में उपस्थित जैन वाणी के लिए अजय अहिंसा जी का भी विश्वविद्यालय परिवार बहुत बहुत आभार व्यक्त करता है। कार्यक्रम में उपस्थित फादर एन आर बर्डे जी का भी विश्वविद्यालय परिवार बहुत बहुत आभार व्यक्त करता है। कार्यक्रम में उपस्थित आदरणीय भाई मान सिंह बदला जी का भी विश्वविद्यालय परिवार बहुत बहुत आभार व्यक्त करता है। कार्यक्रम के अंत में कार्यक्रम में जुड़े हुए समस्त प्राध्यापक, प्राचार्य, वरिष्ठ नागरिक, पत्रकार बंधु, छात्र छात्राओं एवं तकनीकी सहयोग के लिए जुड़े हुए विकास शर्मा जी का भी पूरा विश्वविद्यालय परिवार आभार व्यक्त करता है। अब मैं माननीय कुलपति जी की अनुमति से आज के प्रथम दिवस के द्वितीय चरण में, ये द्वितीय चरण के कार्यक्रम के विराम के लिए अनुमति लेना चाहूंगा माननीय कुलपति जी। कुलपति जी की आज्ञा से यह सत्र समाप्त होता है। धन्यवाद।